दो तीन समाधियां थी, उस समाधियों को उन समाधियों को कुछ गांव के लोगों ने वहीं के उखाड़ करके और जो है हड्डियों को फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत इस वक्त हम सामलिया ग्राम पंचायत के शंभू मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर बताया गया है, लगभग 50 से 100 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर एक विवादास्पद मामला सामने आया है। जैसा कि बताया जाता है कि 4-5 दिन पहले यहाँ पर कुछ साधु महात्मा आए थे और उन्होंने, साधु महात्मा जो हैं वो उज्जैन के बताए गए हैं और राष्ट्रीय संत हैं थानापति फूलगिरी महाराज, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर किसी समय एक समाधि हुआ करती थी, दो समाधियाँ उन्होंने बताई हैं और दोनों समाधियों को इस मंदिर निर्माण के समय हटा दिया गया था और हटाने के बाद उन्हें बुलाकर वापस स्थापित करने की बात कही है। लेकिन उनका आरोप यह है कि ये समाधियाँ यहाँ से हटाकर जो हड्डियाँ थी वो विसर्जित कर दी गई है। लेकिन इस संबंध में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो जो संत हैं राष्ट्रीय संत फूलगिरी महाराज, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, पहले उसको देख लीजिए। सामलिया सावला रोड पर स्कूल के पीछे एक स्वयंभू महादेव मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन चल रहा है, लेकिन वहाँ दो तीन समाधियाँ थी, उस समाधियों को उन समाधियों को कुछ गांव के लोगों ने वहीं के उखाड़ करके और जो है हड्डियों को फेंक दिया, उसमें से जो अस्थियाँ निकली उसको तालाब में पधरा दिया, ऐसा बोलते हैं। हमारे कम से कम 10-15 महात्मा हम लोग आज के तीसरे रोज गए थे, वहाँ पर उपस्थित थे। ये मीडिया में देना था, ये डूंगरपुर में आता है, ये बहुत बड़ा अपमान है महात्माओं का, ऐसा अपमान से पब्लिक बचे और जो है जो समाधियाँ उखाड़ी गई है उसको फिर से जो है प्रायश्चित रूप उसको पुनर्निर्माण करें। यही हमारा संदेश है कि जो नहीं होने वाला है उसको करने की चेष्टा करने का मतलब कुचेष्टा होता है और जो है वो हमेशा सबके लिए नुकसानदायक ही होता है। हम लोग महात्मा होकर के सुन करके भी नहीं बोले नहीं जाए तो भी पाप लगे और तुम लोगों ने जो कुकृत्य किया है तो फिर वो भी पाप लगे, तो पाप से बचना है और सभी महात्माओं का यही विचार है कि वहाँ जो है फिर से नया निर्माण हो। स्वयंभू महादेव मंदिर है तालाब के किनारे, बहुत अच्छा रमणीक स्थान है। वहाँ भूतनाथ गिरी नाम का महात्मा का समाधि था और भी वो एक उनका शिष्य था, दो की समाधियाँ थी तो दोनों तोड़ दी गई है। जैसा कि राष्ट्रीय संत फूलगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद हमने यहाँ पर पड़ताल की और यहाँ के जो मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं जगदीश जी वैष्णव, उनसे मुलाकात की फोन पर, तो उन्होंने ये बताया कि ये मंदिर 50 से 100 वर्ष पुराना है और इस मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और इसका पुनर्निर्माण करने के लिए इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था और नीलकंठ महादेव जो है वांदरवेड़ स्थित मंदिर है महादेव जी का, उन वहाँ पर एक संत हैं उनके हाथों इस मंदिर को गिराया गया था और इस मंदिर का पुनर्निर्माण इस वक्त चल रहा है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मंदिर फिलहाल निर्माणाधीन है, पूरा नया बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से संत फूलगिरी महाराज ने आरोप लगाया है तो जगदीश जी वैष्णव जो यहाँ मंदिर कमेटी के सदस्य हैं वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। पुराना वो जर्जर कंडीशन में हो गया था जी। हाँ, उसको गांव वालों ने सब मिलके, पूरे गांव वालों ने मिलके उसको वापस बनाया है जी, मंदिर को। और मंदिर के पास में समाधियां तो क्या, एक्चुअली क्या वो तो शिव मंदिर है, गांव से दूर था ये। हाँ, वहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं था, गांव में एक गांव हमारे साधु महात्मा रहते थे जी, गांव के अंदर एक थोड़ी धोनी है वहां पर रहते थे जी। जब उनकी डेथ हो गई अब उस समय वो साधु महात्मा थे, पता नहीं कहाँ से रहते थे, गांव में जानकारी थी नहीं
तो अंतिम में उनकी वहाँ एक समाधि बना दी थी जी। हाँ, वहाँ पर डेथ होने के बाद उनको वहाँ कब दफना दिया था, और वो दम दफनाने के बाद उन लोगों ने आज से 50-60 साल पहले की बात है जी जी, तो वहाँ एक छोटा सा बना दिया था चबूतरा टाइप जी। जब उसको वापस मंदिर गिर रहा गिराना था उस समय वो भी एक्चुअली बहुत वहाँ चारों तो खड्डे हो गए थे, जर्जर हो गया था, कोई मतलब नहीं था, वहाँ कोई लोग आते जाते नहीं थे जी। ऐसी स्थिति में वो स्थान जो पड़ा हुआ था उसको समतल करना था, वो स्थान को वहां से हटा दिया जी। तो वो भी इनके वो आए थे या वादरवेड़े के साधु महात्मा थे कोई, तो उनसे सलाह ली थी गांव वालों ने, भाई ये पुराना बहुत पुराना पता नहीं कौन थे कैसे थे, ऐसी स्थिति में इसको अपन यहाँ से हटा के दूसरी जगह पर करवाते हैं जी। वो यहाँ समतल करके उसको समतल कर दिया, बाकी ऐसा ना तो कोई अखाड़ा है ना या कोई साधु महात्मा रहते थे ना कुछ भी नहीं। नहीं, वो अखाड़ा तो नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर पुजारी जो थे पूजा करते थे वो महाराज थे। हाँ। और उनकी समाधि थी और एक दो समाधियां थी, ऐसा वो बता रहे हैं। ना ना ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पूजा भी मंदिर में पुजारी भी नहीं थे, ये तो गांव में एक धोनी थी, समले गांव में थी, बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटा सा टापू था उसमें ये रहते थे जी। और वो भी इनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, लास्ट में इनका देहावसान के बाद वो स्थान भी खत्म हो गया, वहां ऐसा कोई अखाड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, गांव नहीं था। वो उनको दफनाया तो वही था ना। हाँ, उनके मरने के बाद वही दफनाया था। हाँ, गांव वालों ने किया वो, ना तो कोई इनके साधु महात्मा थे, गांव वालों ने इन लोगों ने यहाँ से थे वहां उन्होंने करवा दिया था, आज से वो मेमोरी भी बचपन से पहले की बात है। तो ये 60 साल पहले जब ये मंदिर को इन्होंने वापस नया बनाया तो उस समय उस समाधि वो जो दफनाया था उस जगह को खोद दिया होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया था सर, कुछ था ही नहीं वहाँ। हाँ, तो खड्डे खड्डे बन गए थे, झाड़िया हो गई थी, वो स्थान तो बिल्कुल हो गया था कि जैसे किसी को वहाँ, तो ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा सही करना था, समतल करना था, इसलिए उसको वहां से करके भाई ये तो बिल्कुल यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ लोग भी नहीं जाते हैं, इसको खोल के वापस सही करेंगे, यूं करके गांव वालों ने वहां सब सफाई करवा दी। और फिर वो जो स्थान थी वहां की मिट्टी जो थी उन लोगों ने गांव वालों ने एक जगह रखवा दी थी कि यहाँ वापस अपन सही करके उद्धार करके वापस चबूतरा बना देंगे। तो मिट्टी पड़ी है अभी वहां पर? हाँ, मिट्टी उन्होंने एक जगह रखी है। वो ये बता रहे थे कि उसमें हड्डियां भी थी, उसको तालाब में विसर्जित कर दिया है। ना ना ना, वो जैसा कि जगदीश जी वैष्णव जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये मंदिर जो है ध्वस्त किया गया था और उसके बाद पुनर्निर्माण हो रहा है, तो इस मंदिर के आसपास ऐसी कोई समाधि नहीं थी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इस मंदिर पर जो पुराना मंदिर था उस समय ये यहाँ जो पुजारी हुआ करते थे, उन पुजारी का जब देहावसान हुआ था तो उस समय यहाँ पर एक ओटला बनाया गया था और उनकी समाधि दी गई थी और वो समाधि यहाँ पर रही थी, और जब ये मंदिर निर्माण पुनः किया गया उस समय उस समाधि को हटाया गया था और उस समाधि को वापस स्थापित करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए सारे संतों को यहाँ पर बुलाया गया था। उस दौरान संतों ने इस तरह का आरोप लगाया, लेकिन ऐसा कुछ वास्तविक है नहीं। तो इस संबंध में अगर कोई ऐसी विवादास्पद स्थिति पैदा होती, क्योंकि जो संत हैं वो आरोप लगा रहे हैं और आक्रोशित हैं, अगर ऐसा कोई विवाद पैदा होता है तो यहाँ के जो पटवारी हैं उनसे भी हमने मुलाकात की। पटवारी का कहना ये है कि ये जो जमीन है वो इस मंदिर की है, मंदिर खाते है, मंदिर कमेटी के जो जमीन का सीमांकन है वो मंदिर के खाते पर ही है, लेकिन जो जिस तरह से ये समाधि का बात बता रहे हैं तो समाधि का यहाँ पर हमने कुछ और ग्रामीणों से भी बात की तो वो भी बता रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर समाधि जैसा कोई नज़र नहीं आया, हालांकि एक ओटला जरूर बनाया था, वो ओटला किस चीज़ का था ये क्लियर वो नहीं बता पा रहे हैं। तो प्रशासन को मध्यस्थता रखते हुए इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए अगर ऐसी कोई विवादास्पद स्थिति पैदा होती है तो, क्योंकि कुछ ही समय के बाद ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो स्वाभाविक है इस मंदिर की प्रतिष्ठा या कोई कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, उस समय ऐसा कोई रोड़ा अटके इससे पहले प्रशासन को मध्यस्थता रखकर इस मंदिर पर जो विवाद पैदा हो रहा है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन अशोक वैष्णव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।